हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि नानचाकू को डबल रोटेशन रैप कैसे किया जाता है और हैंड रैप के साथ आर्म काज कैसे करना है, जो कि नानचाकू बिगिनर कोर्स का लेसन नंबर 3 है। तो फिर देख लीजिए कैसे आपको करना है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि डबल रोटेशन आर्म रैप, ठीक है, आपको पिछले वीडियो में मैंने ये सिखाया था कि आर्म रैप आपको कैसे करना है, जो कि कुछ इस तरह से था, ठीक है। आज मैं आपको सिखाऊंगा डबल रोटेशन के साथ आपको आर्म रैप कैसे करना है, और दूसरा चीज सिखाऊंगा कि आर्म रैप करते हुए आपको नानचाकू को कैच कैसे करना है। ओके, तो देखिए, जब आपको नॉर्मली आर्म रैप आता है जरूर, अगर आपने 2 नंबर लेसन देखा है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ उठाएंगे या फिर ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे, देन आपको हाथ की बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा स्पिन करना है। ओके, कैसे, देखिए, जब ये ऊपर है, जब मैं यहाँ पर नीचे रैप करूंगा, उसके बीच में मुझे एक बार स्पिन करना है बाहर की तरफ, हाथ की बाहर की तरफ। ओके, तो जब मैं डाउन की तरफ लेके जाऊंगा, बार एक स्पिन देन रैप, ठीक है, क्लियर। कैसे, देखिए, ये ऊपर है, नीचे जब लेके जाऊंगा, बाहर की तरफ स्पिन देन रैप, बाहर की तरफ स्पिन देन रैप, क्लियर। ये ऊपर से नीचे, और नीचे से ऊपर कैसे होगा, जब नीचे से ऊपर आएगा देन बाहर की तरफ रैप करके ऊपर, सो ऊपर से बार स्पिन रैप, बाहर स्पिन रैप, क्लियर। बहुत आसान है, अगर आप सामने से देखते हो, हाथ की बाहर की तरफ रैप, बाहर की तरफ रैप। तो जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, हाथ की बाहर की तरफ एक स्पिन होगा, देन हाथ के नीचे रैप होगा, सो रैप, बाहर की तरफ स्पिन रैप। ओके, अगर आप लेफ्ट हैंड से करोगे, ऊपर की तरफ अभी है तो बाहर की तरफ स्पिन करके रैप, स्पिन रैप, स्पिन रैप, स्पिन रैप, स्पिन रैप। ओके, ये आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको हैंड रैप आता है, देन बाहर की तरफ एक स्पिन करना आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगा। अब दूसरा चीज़ इस वीडियो का, जो है आर्म रैप के साथ आपको नानचाकू को कैच कैसे करना है। अब देखिए, कैच करने में 2 प्रिंसिपल यूज़ होता है, दोनों हाथों का काम होगा, मतलब ऊपर जो हाथ है उसका भी काम है, और नीचे वाले हाथ का तो मेन काम है जिससे आप कैच करोगे। तो कैच करने का जो नॉर्मल सिंपल लॉजिक होता है कि आपको जो आते हुए, मतलब जिस भी चीज़ को आप कैच करोगे, उसका स्पीड या फिर वो जिस तरफ जा रहा है उसकी तरफ आपको हाथ को टच करके थोड़ा खींचना होता है। ये कैच करने का, किसी भी चीज़ को कैच करने का बेसिक प्रिंसिपल होता है। मतलब ये नानचाकू इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो मुझे ऐसे टच करके ऐसे खींचना है थोड़ा। अभी ये बहुत छोटा सा मूवमेंट है जो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, इसीलिए मैंने बता दिया। और उसी के साथ आपको इस हाथ का, ऊपर वाले हाथ का भी काम है। कैसे, जब आप टच कर लोगे इस हाथ से, देन आपको इस हाथ को थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ डाउन करना है, मतलब सिर्फ रिस्ट को, एल्बो नहीं होगा, इस तरह, क्लियर, इस तरह। तो कैसे होगा, जब ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, देन ऊपर की तरफ जाके नीचे, ठीक है, ये सीधा जा रहा है, अभी ये नॉर्मल रोटेशन है। देन जब इधर आ जाएगा, और उसी के साथ अब मैं नीचे टच कर लूँगा नानचाकू के दूसरे डंडे को, देन ऊपर वाले डंडे को मुझे थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ खींचना है, तो स्ट्रेट नीचे, ठीक है, स्ट्रेट नीचे, तो स्ट्रेट कैच। ओके, आप खुद ट्राई करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना आसानी से आप कैच कर पाओगे। और उसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब करोगे, एल्बो सीधा हो जाता है, ठीक है, आप इस तरह करके आप कैच नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह हाथ को भी इस तरह करके, मतलब फिस्ट को इस तरह करके आप कैच नहीं कर सकते, आपको इस तरह वर्टिकली करना होगा, ठीक है, इस तरह से कैच होता है। देखिए, साइड से मेरा जो ये फोड़ा, मतलब हाथ का ये वाला हिस्सा, हाथ का ये वाला हिस्सा, मतलब एल्बो तक, शोल्डर से एल्बो तक, ये ऐसे सीधा रहेगा, ठीक है। अभी नानचाकू का चेन कितना बड़ा है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि नानचाकू का चेन का और डंडे का किस हिस्सा आपके बॉडी में टच होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको रिस्ट को उतना दूर रखना है। अभी मेरा चेन थोड़ा छोटा है, तो मैं थोड़ा पास लेके जाऊंगा, अगर आपका चेन थोड़ा लंबा है, देन शायद आपका रिस्ट यहाँ पर ही आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उस मूवमेंट को आपको यूज़ करना है, सीधा जाके थोड़ा नीचे, इस तरह से, ठीक है, नीचे। ओके, ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, जब आपका कैच आने लगेगा, दोनों हाथों से आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे, इस तरह। और ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो शोल्डर से एल्बो तक का जो हिस्सा है हाथ का, वो आपका ऐसे सीधा होगा, ठीक है, ऐसे इस तरह से सीधा होगा, इस तरह से नीचे नहीं, ठीक है, ये सीधा होगा, बाकी इससे, मतलब एल्बो से रिस्ट तक आपका काम है। तो ये आपको पहले प्रैक्टिस कर लेना है दोनों हाथों से, इस तरह से। और जब मैं नीचे, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 चीज़ हो रहा है कि नीचे रैप भी हो रहा है, तो नीचे रैप करके जब ऊपर ले रहा हूँ कैच, ठीक है। अगर आप नॉर्मली पहले कैच प्रैक्टिस करते हो, जब नॉर्मली कैच प्रैक्टिस करोगे, देन आपको डायरेक्ट नानचाकू नीचे से ऊपर की तरफ कैच करना है। ओके, इस तरह से, ये नीचे कैच, बिल्कुल नीचे कैच। अभी आपको हैंड रैप को इसके साथ मिक्स करना है, कैसे, जब नानचाकू कैच करने के बाद फिर से सामने की तरफ या फिर नीचे की तरफ आ रहा है बॉडी के, तब हमको हाथ पर रैप करना है। तो हाथ का पोजीशन इस तरह होगा, पहले इस तरह, जब मैं कैच करूंगा ऊपर, जब नीचे रैप करने वाला हूं, देन हाथ को इस तरह खोल दूंगा। ओके,
तो अभी कैच है, रैप कैच, क्लियर, रैप कैच, ओके। अगर आप साइड से देखते हो, रैप कैच, ओके। अगर फिर से सामने से देखते हो, स्लो में देखिए, स्लो मोशन में, इस तरह से, ओके। और कैच करने का जो प्रिंसिपल मैंने बताया या फिर प्रोसेस जो मैंने बताया वो आपको अप्लाई करना है, तो आप देखोगे खुद ब खुद कि उसमें डिफरेंस क्या है। आप नॉर्मली अगर कैच करते हो और मैंने जो बताया उसको आप इस्तेमाल करके जब आप कैच करोगे देन आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा, ओके। तो अगर जब आप स्पीड से करोगे इस तरह से होगा, ठीक है, रैप करके ऊपर से कैच, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड से देखते हो, ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए बस यही वीडियो था। अगर आप इस वीडियो से सीख पाए हो दोनों चीज़ को जो मैंने सिखाया, देन वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो और नाचक को सीखते रहना चाहते हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो, सवाल हो, देन आप कमेंट में पूछ सकते हो। और आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा मेरे अगले वीडियो के लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।